आखिर क्यों आगे आने वाले समय में भारतीय मार्केट से सभी नोट और सिक्के गायब होने वाले हैं, और एक ऐसी ट्रिक जिसको अप्लाई करने के बाद आप महीनों के लाखों रुपए कमा सकते हैं। साथ ही साथ क्या कभी आपने ये सोचा है कि सभी भारतीय क्रिकेटर्स के बैट पर ये अजीब सी चीज क्या होती है? तो हाय गाइस, मैं हूं आकाश और आज के फैक्ट से सुनकर लग जाएगी आपको भी तगड़ी वाली प्यार। गाइस, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हम में से बहुत से लोग सुबह बाथरूम जाने के बाद अपनी वारदात कंप्लीट करने के बाद उसके नामोनिशान मिटाने के लिए फ्लश के बटन को उलबुलाकर दबा देते हैं, जिसकी वजह से हर दिन पूरी ही दुनिया में करोड़ों लीटर पानी बुरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। आप जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अर्थ से पीने वाला पानी ठीक वैसे ही गायब होता हुआ चला जा रहा है जैसे इंस्टाग्राम मॉडल्स के शरीर से कपड़े। तो इस चीज को टैकल करने के लिए एक चाइनीज स्टार्टअप ने एक ऐसी टॉयलेट सीट को बनाकर तैयार किया है जिसे देखने के बाद आप भी भैया यही कहेंगे, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन एक चाइनीज स्टार्टअप ने पिछले साल एक ऐसी टॉयलेट सीट को भी बनाकर तैयार किया था जिसमें अपनी पार्सल डिलीवरी के बाद जैसे ही आप अपनी तशरीफ के भगोने को उठाकर फ्लश के बटन को दबाते थे, आपका पार्सल इस टॉयलेट के नीचे बने हुए एक चेंबर में गिर जाता था, जिसके बाद उस पार्सल पर अत्याचार करते हुए उस पर भीषण आग लगा दी जाती थी। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि जैसे ये टॉयलेट सीट मार्केट के अंदर आई, चाइनीज लोगों ने ये कंप्लेंट करी कि जहां एक तरफ भैया पूरी दुनिया के लोगों का मुंह काला होता है, इस टॉयलेट सीट की वजह से तो हमारा पिछवाड़ा काला हो रहा है। जिसके चलते हुए चाइनीज लोगों की बदनाम गलियों को जलने और पापड़ को सिकने से रोकने के लिए इस तरीके की टॉयलेट सीट्स के प्रोडक्शन को काफी ज्यादा कम कर दिया गया। लेकिन ये बात भी पूरे तरीके से साफ है, इन तरीके की कंपनीज ने ये कहा है कि वो इनको और ज्यादा सेफ बनाकर इसी साल के लास्ट तक दोबारा से इनको मार्केट में जरूर उतार देंगी। अजीब लेकिन जलंदार। गाइस, महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिनसे मिलने के लिए लोग ऐसे बावले रहते हैं जैसे कुछ यूट्यूबर्स भाड़े की स्पोर्ट्स कार लेने के लिए रहते हैं, और यही वो सबसे बड़ा रीजन है जिसके चक्कर में भाई भाई को बहुत से लोग फॉलो करते हैं, जबकि बहुत से लोग तो इनकी भक्ति भी करते हैं। आप किसी को भी फॉलो करना या फिर उसकी भक्ति करना तो ठीक है, लेकिन एक इंसान को पकड़कर उसकी अंधभक्ति कौन करता है यार? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? बीड़े एडिटर, ये तो बेटा देख लिया कर कि किस समय कौन सी मीम लगानी है। अबे तू खुद भी मरेगा और मुझे भी मरवाएगा। असल में गाइस ये वाली मखमली रिपोर्ट निकल कर आ रही है डीसी और सीएसके के मैच से, जहां पर एक शख्स ने अपने बच्चों को मैच दिखाने के लिए 64,000 रुपए देकर ब्लैक में मैच की टिकट्स खरीदी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमारे इस प्यारे भाई ने 64,000 रुपए भी कहीं और से नहीं बल्कि अपनी ही बच्ची के स्कूल फीस के नाम पर सेव किए गए पैसों को यूज करके दिए थे। क्या सोच है रे तेरी? अब उससे भी ज्यादा किडनी कड़कड़ाने वाली बात यह है दोस्तों कि इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी हमारा भाई ऑन कैमरा ये बोल रहा है कि भले ही बच्चे स्कूल जाएं या फिर ना जाएं, लेकिन उन्होंने एटलीस्ट माही भाई को खेलता हुआ तो देख लिया, जिससे उनका जीवन तो धन्य हो गया। अब गाइस इस स्टेटमेंट के बाद बहुत से लोगों को ये चीज काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, क्यों घुइयां भी नहीं पता। लेकिन बहुत से लोगों का ये कहना है कि इससे ना सिर्फ बच्चों पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है बल्कि कहीं ना कहीं अंधभक्ति वाला माहौल भी हमारे देश में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ऐसा करना और ऑन स्क्रीन इस चीज को बोलना सही है या फिर गलत, आप अमीर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। गाइस, जहां एक तरफ हमारे लड़के दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी 10,000 रुपए पर मंथ की सैलरी वाली नौकरी नहीं पकड़ पा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लप्पू सा सचिन भैया जिस पर गोबर में बैठी हुई मक्खी भी मेहरबान ना हो, उस पर हमारे देश के कुछ खेले लोग इस कदर मेहरबान है कि अपनी बातों से ही पाकिस्तान हिलाने वाला लप्पू हर महीने लाखों रुपए छापता है। असल में गाइस अभी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन अगस्त 2023 में हमारे देश के एक बड़े बिजनेसमैन जो कि गुजरात से बिलोंग करते हैं, उन्होंने सचिन और उनकी खपचाई बीवी को 6-6 लाख रुपए पर एनम की सैलरी पर जॉब देने का ऑफर रखा था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इसके बाद अभी रिसेंटली हमारे बॉलीवुड के कुछ घेले प्रोड्यूसर्स अब इनके पीछे हाथ पैर जोड़कर सिर्फ इसलिए लगे हुए हैं ताकि ये उनसे करोड़ों रुपए लेकर बस इस बात पर एग्री हो जाएं कि वे प्रोड्यूसर इनकी लाइफ के ऊपर एक मूवी को बना सके। जली ना, तेरी भी जली ना। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये खड़ा होता है कि ये सारी ही चीजें कर एक्चुअली में हम हमारी कंट्री में कैसा एग्जांपल सेट कर रहे हैं। मतलब एक तरफ एक इंसान जो दिन रात मेहनत करके अपने आप को घेस रहा है उसे नौकरी तक नहीं मिल रही, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी पड़ोसी मुल्क से किसी दूसरे की वाइफ को इलीगल तरीके से घपचाकर इंडिया ले आए तो उसके लिए आपको पैसा भी मिलता है और शोहरत के नाम पर आपके ऊपर तो भैया एक मूवी भी बनाई जाती है। तो मोरल ऑफ दी स्टोरी इज, अब भाभी और चाची हंटर वाली जॉब में नहीं मिल रही मलाई, बस दूसरे मुल्क से घपचा लो किसी तीसरे की लुगाई। गाइस, क्या आपको पता है कि अब ये बातें हो चुकी हैं लॉम्बी, लेकिन दुनिया की आधी आबादी अब बनती जा रही है जॉम्बी।
उड़ी बाबा। असल में गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज से कुछ समय पहले अमेरिका में ज़ॉम्बी मेडिसिन ने अच्छे खासे लोगों को ज़ॉम्बी बनाकर सड़क पर इस कदर बावलेपन में चला दिया था, जैसे कि इंडिया में आरसीबी फैंस सिर्फ ट्रॉफी की एक झलक पाने के लिए ही बावले हुए फिरते हैं। अब गाइस देखिए पूरी टीम का तो पता नहीं, लेकिन हाँ विराट सर की परफॉर्मेंस भैया वो टॉप नॉच है। सच में यार उनके लिए अब बुरा लग रहा है दिल से। खैर लेकिन क्या आपको पता है कि अभी ज़ॉम्बी वाला बावलापन अमेरिका से उड़कर एंट्री ले चुका है ब्रिटेन में। असल में गाइस आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन प्रेजेंट डेट में ब्रिटेन में खुलेआम बहुत सी ऐसी मेडिसिन भी बेची जा रही है जिसको खाने के बाद एक इंसानी शरीर एक तरीके से ज़ॉम्बी में ही कन्वर्ट हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सी अफ्रीकन कंट्रीज में तो इस दवा को सस्ती बनाने के लिए लोग अक्सर जमीन को खोदकर टाटा बाय बाय कर चुके लोगों की हड्डियां ही चुरा रहे हैं। और आप ये जानकर हिल जाएंगे, लेकिन अभी अजीब सी चीज और कंट्रीज को भी बहुत बड़े स्केल में अपनी चपेट में लेती हुई चली जा रही है। अबे ऐसा कौन सा सुख मिल जाता है ऐसे है करके ज़ॉम्बी बन के घूमने में? मैं नहीं बताऊंगा। क्या जी बावलापन है ये? गाइस क्या आपको पता है कि अब हमें गीला होने के लिए नहीं चाहिए रशियन, क्योंकि साइंटिस्ट ने खोद कर निकाल दिया है जमीन के नीचे एक जायंट ओशियन। नहीं अभी दिल्ली में होली वाले दिन कुछ रशियंस लोगों ने ना हम इंडियंस को काफी ज्यादा बेका दिया था, उसी कॉन्टेस्ट में पहली वाली लाइन बोली थी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। असल में गाइस ये जानकर आपके भी चबूतरे गीले हो जाएंगे, लेकिन अभी हाल ही में नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी इन इन्वेस्टन ने अपनी रिसर्च से बार पूरी तरीके से प्रूव कर दी है कि हमारी अर्थ के सरफेस से लगभग 700 किलोमीटर नीचे एक विशाल ओशियन मौजूद है जिसमें पानी की क्वांटिटी अर्थ पर मौजूद सभी ओशियन की वाटर क्वांटिटी से लगभग 3 गुना ज्यादा है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस रिसर्च का तो ये भी दावा है कि इस जायंट ओशियन के पानी के अंदर कुछ ऐसे नेचुरल न्यूट्रिशंस भी हो सकते हैं जो शायद हम इंसानों को और ज्यादा हेल्दी रख सके। हालांकि क्या 700 किलोमीटर नीचे से हम उस पानी को निकालकर अपने कच्चे धो पाएंगे या फिर नहीं ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है तो नो डाउट पूरी अर्थ की वाटर क्राइसिस की समस्या काफी हद तक सुलझ जाएगी। और स्पेशली अभी जो भैया बेंगलुरु में हो रहा है ना, उस तरीके की कंडीशन हमें बाकी की सिटीज में बिल्कुल भी नहीं दिखेंगी। गाइस अभी तक तो आपने ऑफिस से सिक लीव, मेटर्निटी लीव या फिर कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में लोगों को लीव लेते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन आज मेरा मूड नहीं कर रहा, मैं तो घुइया ऑफिस नहीं जा रहा, इस तरीके से लीव कौन लेता है? असल में गाइस ये वाली रिपोर्ट निकल कर आ रही है चमन चिरांदिया चाइना से, जो कि पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कंट्री बन चुकी है जहां के एम्प्लॉयज अब साल में 10 छुट्टियां सैड लीव के नाम पर भी ले सकते हैं। बेसिकली इस तरीके की लीव आप तब ले सकते हैं जब आप सुबह सोकर उठे, आप उदास हो और आप अपने आप से ये बोले कि भैया मेरा मन नहीं ऑफिस जाने का, मेरे बाबू ने तो थाना भी नहीं खाया। तो इस कंडीशन में आप बिना मैनेजर से परमिशन लिए इन तरीके की लीव को ले सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इन तरीके की लीव्स को इंट्रोड्यूस करने के बाद चाइनीज लोगों की प्रोडक्टिविटी पहले से काफी ज्यादा बढ़ भी चुकी है और साथ ही साथ वहां के सभी बाबू टाइम से थाना भी था रहे हैं। हालांकि ये चीज उड़ती हुई इंडिया आएगी या फिर नहीं ये तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अगर बाय चांस ये चीज इंडिया आ गई तो भैया हम लोगों को तो 10 दिन भी काफी ज्यादा कम लगेंगे। हैप्पी इंडेक्स में हमारी रैंकिंग ना देगी क्या? गाइस इंडिया के अंदर अगर हम आईफोन नाम का थुनथुड़ू किसी भी इंसान के हाथ में देख ले तो हमारा माइंडसेट ठीक वैसा ही हो जाता है जैसा हेरा फेरी मूवी में अक्की भाई का था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बात पूरे ही तरीके से कड़वी है, क्योंकि आईफोन यूजर्स की आधी आबादी तो छपरी है। असल में गाइस इस साल यानी कि साल 2024 में आई मोब डेटा की रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में स्मार्टफोन यूजर्स का 30% स्ट्रेट आईफोन यूजर है। और आप ये जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन इनमें से मेजोरिटी आईफोन यूजर्स अमीर होने की बजाय गरीब हैं, और वो लोग सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ करने के लिए सेकंड हैंड आईफोन या फिर अपनी किडनी को बेचकर आईफोन खरीदकर बावले बैल की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। साथ ही साथ इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि वो बचे हुए 70% जो कि एंड्रॉइड यूजर है उनका स्टेट 60% एज कम्पेयर टू आईफोन यूजर काफी ज्यादा रिच है। तो नॉर्मली ये सोचना कि अगर एक इंसान के पास लेटेस्ट आईफोन है तो उसकी इनकम भी काफी ज्यादा होगी, ये ठीक वैसा ही होगा जैसे अर्जुन कपूर की एक्टिंग को देखकर ऑस्कर वाले उन्हें अवार्ड दे दें ऐसा सोचना। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। गाइस अगर आपके भी घर से किसी ने बोर्ड एग्जाम दिया है या फिर जेईई का एग्जाम दिया है तो बधाई हो, आपके पास ही बहुत ही जल्द एक अधिकारी का कॉल आने वाला है जिसके बाद वो आपसे ये कहेगा कि भैया आपके बच्चे ने एग्जाम में ठीक वैसे ही लीक कर दिया है जैसे गर्मी में छत पर रखी हुई पानी की टंकी कर जाती है। और अब अगर आप उस लीकेज को भरना चाहते हैं यानी कि अपने बच्चे को पास कराना चाहते हैं तो आपको काफी मोटी रकम खाकी लिफाफे में रखकर उससे काली पहाड़ी के पीछे मिलना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस कॉल के ऊपर वो आपके बच्चे
बच्ची का नाम, डिटेल और एड्रेस बिल्कुल ही सही देगा। लेकिन क्या आपको पता है कि ये चीज कुछ और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में फनफनाता हुआ एक नए तरीके का स्कैम है। असल में कैसा भी जानकर दंग रह जाएंगे, लेकिन हमारे देश भारत में बहुत सी ऐसी गेली वेबसाइट्स भी मौजूद है जो कि सिर्फ 2000 में जेईई और 2300 रुपए में अलग अलग एग्जाम्स में बैठे हुए बच्चों की पूरी डिटेल्स भंडारे में बटने वाली पूड़ियों की तरह अलग अलग लोगों के सामने सर्व कर देती है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो यह है दोस्तों कि इन वेबसाइट्स पर हम लोगों का डेटा किस तरीके से पहुंचा ये किसी को भी नहीं पता। साथ ही साथ इनमें से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक्चुअली में इन वेबसाइट्स को ये परमिशन दी है कि वो इन डिटेल्स को आगे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका आंकड़ा भी किसी के पास भी मौजूद नहीं है। और यही वो सबसे बड़ा कारण भी है जिसके चलते हुए हमारे देश में मौजूद बहुत से बदतमीज, बेहया और बेशरम लोग अब इसी डेटा का इस्तेमाल करते हुए भोले भाले लोगों से अच्छी खासी मोटी रकम को वसूल रहे हैं। तो मोरल ऑफ दी स्टोरी इज के अगर आपके बच्चे ने पढ़ाई की है तो उसको फेल कद्दू भी कोई नहीं कर सकता, और अगर उसने पढ़ाई नहीं की है तो भैया पैसे खिलाकर भी वो पास ना हो रहा। और एक मिनट, पास करना भी क्यों है भैया, देश के हालात तो ऐसे हो चुके हैं कि आजकल चाय बेचने वाले रोल्स रॉयस खरीद रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ उनके पास आ रहे हैं, वो स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं, और पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग ये सब देखकर आंखों में आंसू ले घुइयां छीलते छीलते स्क्रीन पर डबल टैप करके उनके कंटेंट को लाइक कर रहे हैं। घोर कलयुग है बाबा। गाइस जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अब बहुत ही जल्द हमारे माही भाई और आईएसएस रिटायर होने वाले हैं। हालांकि माही भाई की जय लंबे लंबे छक्के देखकर ऐसा लगता है कि भैया आईएसएस ही पहले पिल पर आ जाएगा, माही भाई तो जरा लंबे ही चलेंगे। और गाइस ये वो सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए नासा के साइंटिस्ट पिछले काफी लंबे समय से काफी ज्यादा परेशान भी है, जिसके चलते हुए उन सभी साइंटिस्ट ने अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए बाथरूम में जाकर चला दिया ठंडे पानी का फुहारा और बनाकर तैयार कर दिया एक लंबा चौड़ा गिलगिला गुब्बारा। असल में आप ये जानकर दंग रह जाएंगे लेकिन नासा ने अभी हाल ही में एक ऐसे एयर बलून को भी बनाकर तैयार कर दिया है जिसे आईएसएस की कक्षा में ले जाकर हवा के थ्रू फुला दिया जाएगा और कोई भी साइंटिस्ट बेहद ही आसानी से इसके अंदर रहकर आगे की रिसर्च कर सकता है। इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इस बलून को एक ऐसे जबर मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है कि बेहद ही आसानी से स्पेस में कई सालों तक सर्वाइव भी कर सकता है। अमेजिंग बात यह है दोस्तों कि शुरुआती दौर में यह बलून पूरे तरीके से सक्सेसफुल रहा है और अगर आगे आने वाले समय में भी इसने सारी टेस्ट को क्लियर कर दिया तो नो डाउट आगे आने वाले समय में हमारा आईएसएस कुछ इस तरीके का एक बलून के शेप का हो सकता है। गाइस जहां एक तरफ इंडिया में लोगों की तेल की कचौड़ियां नहीं थम रही हैं, तो वहीं क्या आपको पता है कि इस वजह से विदेश में तो लोगों की नौकरियां थम गई। असल में गाइस प्रेजेंट डेट में सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो क्लिप बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसके बारे में अलग अलग तरीके की बातें आपको पढ़ने को और देखने को मिलेंगी, जिस पर आपको कद्दू भी भरोसा नहीं करना। क्योंकि गाइस ये कुछ और नहीं बल्कि चाइना का एक अजीब सा लॉ है जिसके चलते हुए वहां पर जितनी भी एयर होस्टेस होती है उन्हें हर एक फ्लाइट से पहले कुछ इस तरीके से एक टेस्ट से गुजरना होता है। अब अगर किसी भी एयर होस्टेस का वेट या फिर फैट थोड़ा सा भी ज्यादा होता है तो उसे तुरंत ही केबिन क्रू की नौकरी से निकाल दिया जाता है। अजीब बात यह है दोस्तों कि अब चाइना के बाद साउथ कोरिया और जापान भी इस रूल को अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बहुत से एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अगर इन तरीके के रूल्स को इसी तरीके से अलग अलग कंट्रीज में अप्लाई कर दिया गया तो ये काफी हद तक लोगों की हेल्थ के साथ खिलवाड़ करने वाली बात होगी। और भैया भूल कर भी इस चीज को इंडिया में तो लाना ही मत, मतलब आप लोग क्या चाहते हो यहाँ के लोग समोसे और कचौड़ी खाना बंद कर दे? अरे वो खाएंगे नहीं तो इंस्टाग्राम पर बेहूदे कपड़े पहनकर हगेंगे कैसे? और हगने से मुझे याद आया कि गाइस आजकल इंस्टाग्राम पर मैं भी हग अलग तरीके का एक कंटेंट बना रहा हूं जो कि यूट्यूब से बिल्कुल ही अलग है, तो मे भी शायद आपको पसंद आएगा। नीचे लिंक है, वैसे हैंडल है आकाश मोटिवेशन, तो आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं सस्ता प्रमोशन। इंडियन क्रिकेटर्स के बैट में ये क्या लगा होता है? असल में गाइस आप भी जानकर दंग रह जाएंगे लेकिन टीवी पर जिस मैच को देखकर आप मजे लूट रहे होते हैं उसी मैच के अंदर एक से एक जबर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है और उन्हीं टेक्नोलॉजी में से ये एक टेक्नोलॉजी है जिसको कहा जाता है बैट सेंसर। असल में गाइस ये एक तरीके का एक स्पेशल सेंसर होता है जिसका कि अपने आप में वजन लगभग ना के बराबर ही होता है, लेकिन जैसे ही इसे किसी भी क्रिकेट बैट के अंदर इंस्टॉल किया जाता है ये बेहद ही आसानी से बहुत से डेटा को हम ऑडियंस तक पहुंचाने का काम करता है। बेसिकली इस सेंसर का मेन काम बैट की स्पीड, एंगल, टेम्परेचर और यहां तक कि बैट ने बॉल को कितने इंपैक्ट के साथ हिट किया है, इन सभी डेटास को रिकॉर्ड करके रियल टाइम में डेटा हब तक पहुंचाने का होता है। अब गाइस क्योंकि ये सेंसर अपने आप में काफी ज्यादा कॉस्टली होते हैं तो इनको हर एक मैच में हर एक बैट के अंदर इंस्टॉल नहीं किया जाता, बल्कि इन तरीके के सेंसर आपको हमेशा ही उन प्लेयर्स के बैट में लगे हुए नजर आएंगे जो या तो पॉपुलैरिटी में अच्छे खासे फेमस होंगे या फिर जिनकी बैटिंग काफी ज्यादा इंपैक्टफुल होती है, क्योंकि उन्हीं प्लेयर्स के आंकड़े ना सिर्फ हम ऑडियंस बल्कि बीसीसीआई
या फिर दूसरे क्रिकेट बोर्ड भी देखना चाहते हैं। सो फाइनली अब आप ये भी जानते हैं कि क्यों कुछ बैट्समैन के बैट में इस तरीके के अजीब से सेंसर को इंस्टॉल किया जाता है। आखिर क्यों आगे आने वाले समय में भारतीय मार्केट से सभी नोट और सिक्के गायब होने वाले हैं। असल में गाइस भले ये चीज आपको सुनने में अभी काफी ज्यादा अजीब लग रही हो, लेकिन आज की डेट में हम उस दौर में आकर खड़े हो चुके हैं कि अगर सारी चीजें इसी तरीके से आगे चलती हुई चली गई तो आज से सिर्फ 4 से 5 साल के बाद ही आपको इंडियन मार्केट के अंदर बहुत मुश्किल से ही कोई भी कॉइन या फिर कोई भी करेंसी नोट देखने को मिलेगा। खाओ मां कसम। अब क्या है ये पूरा माजरा और क्यों इस चीज को मैं बोल रहा हूँ, चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। असल में गाइस जब साल 2016 में सबसे पहली बार इंडिया के अंदर UPI को इंट्रोड्यूस किया गया था तो बहुत से लोगों का ये मानना था कि इंडियन मार्केट और लोग इस तरीके की टेक्नोलॉजी को कभी एडॉप्ट कर ही नहीं सकते, लेकिन आगे चलकर ये मेथड इतना ज्यादा सक्सेसफुल रहा कि आप ये जानकर दंग रह जाएंगे। लेकिन आज सिर्फ भारत में ही एक दिन के अंदर लगभग 417 मिलियन UPI ट्रांजेक्शंस को किया जाता है। लेकिन इन तरीके की ट्रांजेक्शंस के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैंक के सर्वर को लेकर होती है, क्योंकि अक्सर ये चीज हम सभी ने फेस की होती है कि जब किसी भी बैंक के सर्वर की वजह से UPI ट्रांजेक्शन फेल कर जाता है तो उस कंडीशन में हमें हार्ड कैश का इस्तेमाल करना होता है। वहीं क्या आपको पता है कि अब इसी हार्ड कैश को पूरे ही तरीके से खत्म करने का एक जबरा प्लान निकाल कर तैयार किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। असल में गाइस RBI ने 1 दिसंबर साल 2022 को भारत के सबसे पहले ई-रूपी को इंट्रोड्यूस किया था। बेसिकली ये आपके हाथ में मौजूद एक फिजिकल नोट का ही वर्चुअल रूप होता है और इस मेथड में करना ये होता है कि आपको बस RBI के अंडर आने वाली एक एप्लीकेशन में रजिस्टर करके अपने डिजिटल वॉलेट को खोलना होता है और इस वॉलेट में आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे जमा होते हैं उनका डिजिटल रूप आपको देखने को मिलता है। साधारण लैंग्वेज में अगर इस एप्लीकेशन के अंदर आपको 100 रुपए के 5 नोटों की फोटोज दिख रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके पास 500 रुपए हैं। अब इस कंडीशन में अगर UPI कहीं पर भी फेल हो जाता है या फिर किसी भी कारण की वजह से आप UPI का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये डिजिटल नोट दूसरे इंसान के बैंक अकाउंट या फिर वॉलेट में सीधा ट्रांसफर कर सकते हैं। अब गाइस इससे कुछ चुनिंदा फायदे भी होते हैं। पहला तो अगर ये चीज बहुत बड़े स्केल में पूरे ही देश में अप्लाई कर दी जाती है तो हमें फिजिकल नोट लगभग ना के बराबर ही प्रिंट करने होंगे, जिससे ना सिर्फ देश का खर्चा बचेगा बल्कि हम कई लाख या फिर करोड़ पेड़ों को भी बेहद ही आसानी से बचा लेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस कंडीशन में नोट का चोरी होना, खराब हो जाना, फट जाना जैसी कोई भी प्रॉब्लम कभी भी आप फेस करेंगे ही नहीं। इसके साथ ही RBI का तो ये भी कहना है क्योंकि इन तरीके के ट्रांजेक्शन सीधा के सीधा RBI के अंडर ही किए जाएंगे तो यहाँ पर सर्वर का डाउन होना या एप्लीकेशन का काम ना करना जैसी कोई भी प्रॉब्लम आप कभी भी फेस नहीं करेंगे। अब गाइज आप ये जानकर दंग रह जाएंगे लेकिन प्रेजेंट डेट में RBI अपने इसी डिजिटल मनी वाले कॉन्सेप्ट को पूरे ही देश में बहुत तेजी के साथ फैलाने का ट्राई कर रही है। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इंडिया के अंदर आपको फिजिकल नोट या फिर कॉइन जैसी कोई भी चीज देखने को मिलेगी ही नहीं। हालांकि अभी ये चीज आपको सुनने में काफी ज्यादा इम्पॉसिबल लग रही हो, लेकिन जब 2016 में UPI मेथड आया था तब भी हमें ये इम्पॉसिबल ही लग रहा था, लेकिन आज भैया वो तो रौले ही काटे हुए है। आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा और आपने ऑलरेडी इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझसे इंटरेक्शन को बढ़ाना चाहते हैं तो नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिएगा या फिर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एक और फ्रेश कमाल एपिसोड में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद। और हाँ, जाने से पहले आप इन वीडियोस को भी चेकआउट जरूर कीजिएगा।